तो दोस्तों आज 6 मई 2019 सोमवार का दिन है और आधार कार्ड की तरफ से आज आपके लिए बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की तरफ से आपके लिए 3 बड़ी खबरें हैं। आपको बता दें, अभी आधार कार्ड देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए जो इससे जुड़ी जानकारी आती है वो भी पूरे देश के नागरिकों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में आधार कार्ड को लेकर जो बड़ी खबरें आई है उसके बारे में बताएंगे, साथ ही में आपको बताएंगे आज की ताजा खबरें। तो इसीलिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इस वीडियो को बिना थोड़ा सा भी भगाए ध्यान से आखिर तक देख लें, वरना हो सकता है आपसे कोई जानकारी मिस हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से आपको बताते हैं। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों आधार कार्ड को लेकर जो बड़ी खबर आई है उसके बारे में बताने से पहले आइए आपको बताते हैं आज 6 मई 2019 की ताजा खबरें, जो कि हम आपके लिए चुनकर लाए हैं वही खबरें जो सिर्फ काम की हैं। पहली खबर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बन गया नया कानून, बढ़ेगा कारोबार और रोजगार, अब 24 घंटे तक खुले रहेंगे दुकान, पेट्रोल पंप और हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें देश का ऐसा राज्य है जहाँ पर अब 24 घंटे पूरे 7 दिन तक राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे स्टेशन, राज्य परिवहन डिपो, अस्पताल, पेट्रोल पंप और दुकानें पूरे 24 घंटे खुली रहेंगी। आपको बता दें इस नियम को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अब पूरे 24 घंटे तक ये सभी चीजें खुली रहती है। आपको बता दें इससे पहले 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी चीज को खोलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर अब पूरे 24 घंटे ये सेवाएं मिलेंगी, जिससे लोगों को भी आसानी होगी और दुकानदार और रोजगारों को भी अच्छा फायदा होगा। हो सकता है आने वाले दिनों में देश के अन्य राज्यों में भी ये सेवा लागू की जाए और ये नियम बना दिया जाए कि 24 घंटे तक दुकानें खुली रहेंगी। और आज की अगली खबर में कि 5वें चरण में आज 6 मई को 51 सीटों पर है मतदान। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज 6 मई 2019 है और आज लोकसभा चुनाव का 5वां चरण है और आज बहुत सारे राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। आपको बता दें आज जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, अगर इसकी बात करें तो जो ताजा सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी का पलड़ा भारी है। आपको बता दें लगभग अब तक जो भी सर्वे होते आए हैं उनमें बीजेपी का पलड़ा भारी देखा गया है। आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आप पीएम मोदी को जिताना चाहते हैं या राहुल गांधी को। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि दारुल उलूम का ऐलान, आज दिखेगा रमजान का चांद, कल से शुरू होगा रोजा। जी हाँ दोस्तों, देश भर में संपर्क साधने के बाद विश्व विख्यात इस्लामिक शिक्षा संस्था दारुल उलूम ने ऐलान किया है कि आज 6 मई को चांद देखा जाएगा और कल मंगलवार से पहला रोजा शुरू होगा। आपको बता दें बीते दिन 5 मई को दारुल उलूम ने बहुत सारी जगहों से पता लगाया था लेकिन कल चांद नहीं दिखा था। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि स्नैपडील पर 40% तक डिस्काउंट पर मिलेगा सोने का सिक्का, और भी मिल रहे हैं बहुत सारे ऑफर, होगा हजारों का फायदा। जी हाँ दोस्तों, सोने की खरीद के सबसे बड़े पर्व अक्षय तृतीया कल 7 मई को है और कल 7 मई के अवसर पर कई कंपनियां ग्राहकों के लिए ऑफर लेकर आई हैं। कई ब्रांड और कंपनियों ने अक्षय तृतीया के मौके पर विशेष छूट की पेशकश की है। आपको बता दें स्नैपडील ने सोने के सिक्कों पर पूरे 40% का डिस्काउंट देने का ऐलान किया है, साथ ही में चांदी के सिक्के और बिस्किट पर पूरे 70% का डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। आप कल अक्षय तृतीया के मौके पर इसका फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि 5 साल में खुलेंगे 2500 नए अस्पताल, 25 लाख लोगों को मिलेगी नई नौकरी। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल ने बीते शुक्रवार को कहा है कि देश में अगले 5 सालों में 2500 नए अस्पताल खुलेंगे, इससे करीब 25 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। पाल ने कहा है कि 2024 तक भारत में विश्व संस्था संगठन के नियमों के अनुसार प्रत्येक 10,000 मरीजों पर एक डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहेगा। तो दोस्तों जल्द ही भारत को ये एक और उपलब्धि मिलने वाली है कि आने वाले कुछ सालों में 2500 नए अस्पताल खुलेंगे, जिससे बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और साथ ही में इससे जो बीमार लोग हैं उन लोगों को भी काफी अच्छी सर्विस मिल सकेगी। और दोस्तों आज की अगली खबर में, अब टाटा मोटर भी भारत में नहीं बेचेगी छोटी डीजल कारें, कंपनी ने किया है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए और इसके बदलाव को देखते हुए अब टाटा मोटर ने एक नया ऐलान किया है। टाटा मोटर ने बताया है कि वो धीरे धीरे जल्द ही जो भी टाटा की छोटी कारें हैं जो डीजल वाली हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। आपको बता दें टाटा की जो भी छोटी कारें होंगी जो कि डीजल से चलती हैं आने वाले दिनों में उन्हें बंद कर दिया जाएगा, लेकिन कंपनी ये काम धीरे धीरे करेगी। लेकिन आपको बता दें मारुति सुजुकी 2020 से जो अपने डीजल कारें हैं वो नहीं बेचेंगी। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि अब ग्राहकों को धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे डीटीएच ऑपरेटर, ट्राई ने दिया ऑडिट करने का आदेश। जी हां दोस्तों, केबल टीवी
और डीटीएच कंपनियां आपके साथ धोखाधड़ी ना करें, इसके लिए ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने नया कदम उठाने जा रहा है। ट्राई ने इन कंपनियों का ऑडिट करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, जो ऑडिट का नया फैसला लिया गया है उससे जो भी डीटीएच यूजर हैं, यानी जो लोग डिश टीवी चलाते हैं, टाटा स्काई के जरिए टीवी केबल देखते हैं, उन लोगों को अच्छा फायदा होगा। आपको बता दें, खबरों के मुताबिक ये बात पता चली है कि बहुत सारे डीटीएच ऑपरेटर अपने यूजर के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। धोखाधड़ी में जैसे जो चैनल बताए जाते हैं वो चैनल नहीं आते, लेकिन उसके उतने ही पैसे लिए जाते हैं। किसी किसी प्लान के पैसे ज्यादा लिए जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उसकी अनुमति नहीं है। अब इसी सब चीजों को देखने के लिए खुद भारत सरकार की तरफ से इस पर नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी भारत के नागरिक के साथ धोखा ना हो। और दोस्तों, आज की अगली खबर में कि यूपीएससी रिक्वायरमेंट 2019 असिस्टेंट कमांडेंट बनने का है शानदार मौका, आप भी कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा 2019 के लिए आवेदन मांगे हैं। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप 20 मई 2019 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख यही है। बाकी आप अधिक जानकारी और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यूपीएससी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। और दोस्तों, आज की अगली खबर में कि नोकिया 4.2 स्मार्टफोन भारत में इस दिन होगा लॉन्च। इसमें है एक खास बटन। जी हाँ दोस्तों, नोकिया ब्रांड नाम से स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एचएमडी ग्लोबल आगामी 7 मई को, यानी कि कल 7 मई को भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन नोकिया 4.2 पेश करने जा रही है। हाल ही में कंपनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो डाला था, जिसमें स्मार्टफोन में शामिल यूनिक नोटिफिकेशन एलईडी पावर बटन दिखाया गया था। आपको बता दें, इस फोन में एक स्पेशल बटन होगा। जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उस बटन के अगल बगल एलईडी लाइट जलेंगी। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि ये एलईडी लाइट युवाओं को काफी ज्यादा आकर्षित करेंगी। और ये बटन जो नया आ रहा है, ये एक अलग फीचर भी है। तो देखते हैं फोन जब लॉन्च होता है और इसमें कैसा नया बटन आ रहा है। तो दोस्तों, आइए अब आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, यानी आधार कार्ड के बारे में जो बड़ी खबरें आई हैं। आपको बता दें, हम आपको यहाँ पर आधार कार्ड से जुड़ी 3 बड़ी खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहली खबर में, जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर की तरफ से ये ताजा अपडेट लगाया गया है कि अब मान्य नहीं होगा आपका स्मार्ट कार्ड यानी कि आधार कार्ड, यूडीआई ने बताया है अवैध। जी हाँ दोस्तों, हमने इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी पहले दी थी, लेकिन ये जानकारी इतनी ज्यादा अहम है कि इसके बारे में हमने सोचा कि आपको फटाफट से और विस्तार से बताया जाए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास लेमिनेशन वाला आधार कार्ड होगा या प्लास्टिक वाला आधार कार्ड होगा। आपको बता दें, सरकार की तरफ से प्लास्टिक वाले आधार कार्ड को और जिन आधार कार्ड पर लेमिनेशन किया हुआ है, उन आधार कार्ड को पूरी तरीके से अवैध कर दिया गया है, यानी कि आप समझ लें एक तरीके से बैन कर दिया गया है। अब इस तरह का आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। आप अगर कहीं सरकारी जगह पर लेमिनेशन वाला आधार कार्ड या प्लास्टिक वाला आधार कार्ड देंगे तो उसे अवैध माना जाएगा और आपका काम नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमें फिर कौन सा आधार देना होगा। तो आपको बता दें, आपको अपने आधार कार्ड का प्रिंट निकलवाना है बिल्कुल सिंपल पेपर पे और उसी को कहीं पर भी दे देना है। तो अब बस इसी तरह का आधार कार्ड मान्य है। तो ये जानकारी पूरे देश के लिए बेहद ही अहम है। अगर आप कहीं सरकारी जगह पे जाते हैं तो अपने आधार का प्रिंट निकलवाएं सादे पेपर पर, वरना आपका काम नहीं बनेगा। आपको बता दें, लेमिनेशन वाले आधार कार्ड को इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि उस पे जो क्यूआर कोड होता है वो स्कैन नहीं हो पाता प्लास्टिक की वजह से और वो धुंधला हो जाता है। दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़ी जो दूसरी जानकारी है वो आपके फायदे की है। दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सरकार की एक अपनी वेबसाइट है mygov.in। आपको बता दें, यहाँ पर सरकार की तरफ से और सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट की तरफ से नए नए कॉन्टेस्ट लॉन्च किए जाते हैं। जैसे कि आपको लोगो बना के देना है, किसी कंपनी का नाम बताना है या किसी चीज का नाम बताना है जो कि सरकार लाने वाली है। आपको बता दें, सरकार सर्वे कर करके अपना लोगो बनाती है या किसी ट्रेन का या किसी भी चीज का नाम लॉन्च करती है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड होगा तो आप इस वाली वेबसाइट पे आकर उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। आपको बता दें, अगर आप कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे तो आपको पुरस्कार के तौर पे 10,000, 20,000, 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट को देख लें। इस वेबसाइट का लिंक है mygov.in। ये सरकार की अपनी वेबसाइट है। दोस्तों, बात करें आधार कार्ड के दूसरे खबर के बारे में तो आपको बता दें, ये भी खबर आपके फायदे की है। अगर आपका आधार कार्ड कभी खो जाता है या जल जाता है या आप कहीं रख के भूल जाते हैं, किसी भी तरीके से आपका आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है और अगर आपका फोन नंबर भी आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नहीं है और आपके पास दूसरी कॉपी भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि अब आपको आधार कार्ड सेंटर जाना होगा, लेकिन आपको आधार कार्ड सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, आधार कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से एक नई सर्विस लॉन्च की गई है। उस सर्विस के तहत आपको आपका आधार कार्ड आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए आधार कार्ड आपसे सिर्फ 50 रुपए लेगा। आपको बता दें, आपको आधार कार्ड की वेबसाइट पर आना है और नए
आधार के लिए अप्लाई करना है। बस 50 रुपए देकर आपका आधार कार्ड उस एड्रेस पे पहुंच जाएगा जो एड्रेस आपके आधार कार्ड पे छपा होगा। ये सब कैसे करना है इसका एक वीडियो है जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आधार कार्ड से जुड़ी ये 3 बड़ी खबरें थी जिसके बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूं इससे आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और आपको फायदा भी जरूर होगा। अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि भारत में लॉन्च होने जा रहा है व्हाट्सएप पे, हो सकता है गेम चेंजर, पेटीएम को देगा कड़ी टक्कर। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप की तरफ से पेटीएम जैसा ऐप अब बहुत जल्दी आने वाला है। इसकी खबरें आ रही थी लेकिन अब ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। आपको बता दें व्हाट्सएप पेटीएम जैसा ऐप लॉन्च करने वाला है जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर मिलेंगे और हो सकता है बहुत अच्छे ऑफर भी मिले। तो जल्दी व्हाट्सएप पे नाम का ऐप लॉन्च होगा। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि साइलोन फानी के बाद रेलवे ने अपनी सेवाओं को किया बहाल, शुरू कर दी ये 14 ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी एक फानी नाम का बहुत ही तगड़ा तूफान आया था जिसमें बहुत सारी ट्रेनें और बहुत सारे हवाई जहाज को रद्द कर दिया गया था। लेकिन जिन 14 ट्रेनों को इंडियन रेलवे ने रद्द किया था उन 14 ट्रेनों को इंडियन रेलवे ने फिर से बहाल कर दिया है। स्क्रीन को पॉज करके आप उन 14 ट्रेनों को नाम देख सकते हैं जिसे रद्द करने के बाद दोबारा चालू कर दिया गया है। तो दोस्तों आज 6 मई 2019 की ये ताजा खबरें थी, महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करता हूं इससे आपका फायदा होगा। इसके बदले में हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको सरकार की तरफ से जो भी बड़ी खबरें आए वो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।